एजीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या रिलायंस जियो को आरकॉम के स्पेक्ट्रम साझा करने पर राजस्व अर्जित करने पर देय के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आरकॉम के एजीआर बकाया वसूलने पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा है। दोस्तों, सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वो एजीआर बकाए की वसूली के लिए कोर्ट के किसी भी निर्णय का समर्थन करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आरकॉम के लिए। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि रिलायंस जियो जो स्पेक्ट्रम साझाकरण समझौता के तहत आरकॉम के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रहा है, तो आरकॉम के एजीआर बकाए का भुगतान उसे क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मुद्दा उस समय उठाया गया था जब कोर्ट इस सवाल पर टेलीकॉम सुनवाई कर रहा था कि क्या स्पेक्ट्रम को आईबीसी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट की कार्रवाई के तहत बेचा जा सकता है। लेकिन हरीश सावले ने जियो की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जियो किसी भी आईबीसी कार्रवाई में शामिल नहीं है और आरकॉम स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं कर रहा है। टेलीकॉम सेक्टर ने अदालत को बताया कि ये स्पेक्ट्रम नेशन का है और नेशन की किसी भी चीज को बेचा नहीं जा सकता और स्पेक्ट्रम आईबीसी कार्रवाई के अधीन नहीं जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी के पास स्पेक्ट्रम नहीं है, हम बस उसे केवल यूज करने की परमिशन देते हैं। दोस्तों, थोड़ी मोड़ी पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि आरकॉम के स्पेक्ट्रम चार्जेस थोड़े से स्पेक्ट्रम चार्जेस जियो दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।